जनपद मुरादाबाद के थाना मंजुला क्षेत्र में दिन दहाड़े एक व्यक्ति से लाखों रुपए की लूट के बाद मचे हड़कंप के बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और पीड़ित व्यक्ति से पूछताछ के बाद कार्यवाही की बात कह रहे हैं। थाना मंजुला क्षेत्र स्थित मंडी समिति रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब सिरसी संभल स्थित अयूब रजा की कार से अज्ञात दो बाइक बदमाशों ने रुपये से भरा बैग लेकर फरार हो गए। दरअसल पीड़ित व्यक्ति अपने मिलने वालों को साथ लेकर कार से मुरादाबाद नई गाड़ी खरीदने आ रहे थे। ये लोग चाय नाश्ते के लिए नई मंडी बाईपास पर रुक गए, जहां से मौका पाकर बदमाश इनके रुपए उड़ा ले गए। इसकी सूचना जब मुरादाबाद पुलिस को लगी तो दिन दहाड़े लूट की खबर से हड़कंप मचने से आला अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए और पीड़ित व्यक्ति को साथ लेकर मंजुला थाने पहुंच गए, जहां पर घंटों की चली पूछताछ के बाद पीड़ित व्यक्ति रुपए संबंधी सही जानकारी नहीं दे पा रहा है, या ये कहें कि मुरादाबाद पुलिस एक बड़ी घटना का अल्पीकरण करने में लगी है। सर, अभी एक सिरसी से किसान आए थे, वो लूट का लगा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? एक सूचना थाना मंजुला क्षेत्र अंतर्गत मंडी समिति के पास प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सिरसी संभल से दो अन्य व्यक्तियों के साथ एक गाड़ी में आए थे। वो चाय पीने के लिए रुके थे, तो जिस समय वो चाय पी रहे थे तो गाड़ी में रखा हुआ एक बैग पीछे से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आए और बैग उठा कर वहाँ से आगे फरार हो गए। इस सूचना पर तुरंत घटनास्थल पर मौके पर पहुँच कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। वादी से भी बात की गई, जितनी रकम पहले बताई जा रही थी, परंतु जब उसके घर वालों से बात की गई तो रकम में जो है विरोधाभास का प्रतिष्ठा सामने आया। सभी तथ्यों पर जांच चल रही, मुकदमा पंजीकृत कराकर उस पर कार्रवाई। सर, कितने बदमाश बताए जा रहे हैं जो बता रहे हैं बात पर, कितने लोग सवार? अभी तक जो प्रथम दृष्टि बात सामने आ गई वो बाइक पर दो। किस तरह से मतलब ये पैसे लेकर के आ रहे थे, क्या कोई ब्यौरा अभी तक किस तरह से पैसे लेकर के आ रहे थे, कोई ब्यौरा अभी तक प्राप्त हो पाया? सर, ये जो है मतलब किस लिए आए थे यहाँ किसान? किसान का ये कहना है कि यहाँ पर ये गाड़ी खरीदने के लिए आए थे और इन्होंने पहले भी कुछ एडवांस उस कंपनी को दिया हुआ था, परंतु उस कंपनी के जाकर मैनेजर से जब इस संबंध में वार्ता की गई तो किसी भी प्रकार का एडवांस जमा होने की पुष्टि वहाँ के मैनेजर द्वारा या फिर इस व्यक्ति को जानने की पुष्टि उस मैनेजर द्वारा नहीं की। सर, लगभग कितने की बता रहे हैं? किसान द्वारा जो प्रथम दृष्टया प्रथम सूचना में बताया गया था वो 4 लाख बताया गया था, परंतु घर वालों से जो बात हुई है उनके द्वारा बताया गया कि ये 2-2.5 लाख रुपये।